जमीन के नीचे सुरंग में मेट्रो को दौड़ते हुए आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी पानी के नीचे किसी भारतीय ट्रेन को दौड़ते देखा है? जी हाँ, देश में जल्द ही पानी के नीचे भी ट्रेन चलेगी। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। यह ट्रेन कोलकाता की हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी। इसके लिए 520 मीटर लंबी और लगभग 30 मीटर गहरी सुरंग बनाई गई है, जिसे पार करने में कोलकाता मेट्रो को महज 1 मिनट का समय लगेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है और लिखा है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन शीघ्र ही कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चलना आरंभ होगी। उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण यह ट्रेन देश में निरंतर हो रही रेलवे की प्रगति का प्रतीक है। इसके बनने से कोलकाता निवासियों को सुविधा और देश को गर्व का अनुभव होगा। कोलकाता के नाम मेट्रो से संबंधित एक और रिकॉर्ड है। देश में सबसे पहले मेट्रो भी यही चली थी। कोलकाता मेट्रो की नींव वर्ष 1972 में रखी गई थी और इसे पहली बार 1984 में खोल दिया गया था। इसमें 24 स्टेशन हैं और यह 27.22 किलोमीटर के क्षेत्र में दौड़ती है। यह मेट्रो कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे के पास नोवापाड़ा से लेकर पाटली के करीब कवि सुभाष स्टेशन तक फैली है। यहाँ की मेट्रो में रोजाना 5 लाख यात्री सफर करते हैं। कोलकाता मेट्रो देश में भले ही सबसे पहले शुरू हुई हो, लेकिन यहाँ एसी की व्यवस्था कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है। कोलकाता मेट्रो में एयर कंडीशन ट्रेन हाल ही में चलाई गई है। इससे पहले इसमें आम डब्बे ही लगाए गए थे। कोलकाता मेट्रो स्टेशन पर आप प्रेमी जोड़ों को हाथ में हाथ लेकर विचरते देख सकते हैं। यही वजह है कि रेल प्रशासन को जगह जगह स्टिकर लगाना पड़ा है कि यहाँ टाइम पास करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कोलकाता मेट्रो के स्टेशन के नाम भी महान लोगों के नाम पर रखे गए हैं। गिरीश पार्क, जतिन दास पार्क, कवि सुभाष, कवि नजरूल, महानायक उत्तम कुमार, महात्मा गांधी रोड, मास्टरदास सूर्यसेन, नेताजी भवन और शहीद खुदीराम जैसे स्टेशनों का नामकरण महान विभूतियों के नाम पर हुआ है। कोलकाता मेट्रो के इन सभी स्टेशनों के बीच एक मेट्रो स्टेशन ऐसा भी है जो हॉन्टेड माना जाता है। स्टेशन का नाम है रविंद्र सरोवर। यहाँ कभी भी जाना हो तो दिल थाम के जाना, क्योंकि इस मेट्रो स्टेशन पर रोज अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। चाहे ये वीरान हो या भीड़ भाड़, यहाँ आने वाले मुसाफिरों को एक अजीब सा एहसास होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टेशन पर अभी तक कई लोग ट्रैक पर कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई मौजूद है। लोग यहाँ आने से बचते हैं। देखने में भी यह स्टेशन डरावना लगता है। रात के तकरीबन 10:30 बजे यहाँ से आखिरी मेट्रो गुजरती है। उसके बाद ये स्टेशन वीरान पड़ा रहता है। कोलकाता मेट्रो में सफर देश का सबसे सस्ता मेट्रो सफर है। यहाँ किराया 5 रुपए से शुरू होकर अधिकतम 15 रुपए तक का होता है। कोलकाता शहर जितना नायाब है, उतनी ही नायाब कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता की संस्कृति को समेटे ये मेट्रो हर रोज 5 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अमर उजाला.com